यस बेटे, आज अपन ग्रामर का टॉपिक पहला करांगे। पिछेत्र ऑलरेडी अपन थोड़े जे पिछेत्र कितने हैं 1 to 10, और नाल एक कहानी अज समझांगे। अंग संग वनगी बुक दे विचो एक अंग संग कहानी है। एक तोड़ा एकांगी है, दूजा व्याह जो साडा सिलेबस रहंदा है, और एक वार्तक लेख है वड्डे वडेरे। वार्तक वड्डे वडेरे ते जो अपन सिलेबस कर लिया वो की है प्रार्थना लेख किता। काव्य रचनावां दो ही ने अपने सिलेबस विच, तू मेरा पिता तू है मेरा माता और सतगुरु नानक प्रगटिया। ये तोड़ा लिटरेचर का सिलेबस है, लिटरेचर जो कि तोड़ा 15 मार्क्स है, और 15 मार्क्स का तोड़ा राइटिंग स्किल है, 10 मार्क्स ही तोड़ी ग्रामर है, व्याकरण है, जिदे विच अगेतर पिछेतर ते मुहावरे। इस करके सारा काम साइड बाय साइड फेयर नोटबुक ते करना जरूरी है। ठीक है, अपने 3 टॉपिक तुहाडे हुण फेयर नोटबुक ते कंप्लीट हो जाने चाहिए है। हुण जिहड़े बच्चे होलीडेज होमवर्क दे डिफॉल्टर है ना, देख लो हुण उन्हां दा चैक नहीं होना। होलीडेज होमवर्क और तुहाडा इंटरनल असैसमेंट दे मार्क्स जाने हैं, इहदे च तुहाडा लॉस होना। तुसीं जिहड़े टाइमली बच्चों ने सेंड नहीं किया, वैसे तकरीबन सब बच्चों ने सेंड कर दिता, पर फिर भी डिफॉल्टर है बेटे, 10 डिफॉल्टर तुहाडी क्लास दे तां है, जिन्हां दी लोरी कंटेस्ट भी 6 बच्चे है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तुसी कर लेना है। हुन आपां अज अंग संग कहानी समझनी है। अंग संग कहानी जो कि बरियाम संधु दी लिखी हुई है कहानी, और यह दोनों टॉपिक आपां नेक्स्ट वीक करने हैं ते अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पर अंग संग कहानी करन तो पहला आपां पिछेत्र कर लईए थोड़े जे, क्योंकि 1 to 10 नहीं किते और पिछेत्रां दी गिनती बहुत ज्यादा है। अगेतर लिमिटेड ने, पिछेत्र ज्यादा हैं। स्टार्ट करिए, और सब बच्चों की क्लास पार्टिसिपेशन जरूरी है। मैं पिछेत्र वर्ड लिखांगी, पिछेत्र, और जिहड़े ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी स्वर हुंदे ने उन्हां दी मात्रा पूरी नहीं पानी, मात्रा दी आवाज नाल पिछेत्र बनते ने। फॉर एग्जाम्पल आपां तुहानू करवाया होया ऑलरेडी डिस्कस किया, जिवें ईला है ईड़ी नूं बिहारी लल्ले नूं कन्ना नहीं पाना, आपां पाना है फॉर एग्जाम्पल चमक जमा इला। इस तरह इला नहीं लिखांगे आपां, इला लिखांगे ई दी आवाज। ठीक है, इसे तरह दौड़ जमा आक, इस तरह आक पाके नहीं लिखांगे, दौड़ाक, ये रोंग है। असी किस तरह लिखना है बेटे, दौड़ाक आदि आवाज। जिहड़े स्वर हुंदे ने उन्हां दी आवाज नाल पिछेत्र तो नवे शब्द बनते ने। हुण आपां गल करिए पिछेत्र कहिंदे किन्नू ने, जो आपां ऑलरेडी क्वेश्चंस कीते ने, कौन दसेगा पिछेत्र की हुंदे ने और किसदा वर्ग हन। आपां छोटे क्वेश्चन कीते आ 1 मार्क, पिछेत्र किसदा वर्ग हन और किसनू कहिंदे ने। रेज योर हैंड्स। तानिया दी तां अग्गे बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन चल रही है क्लास च, बाकी बच्चे बिसम दिव्यां प्रिंसी, यस आज प्रिंसी बोलेगी बेटे। हाँ जी बच्चे प्रिंसी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रिंसी। हाँ जी बच्चे बोलो। मैम पिछेतर वो शब्द हन जो किसी शब्द के पिछे लग के नवा शब्द बनान, ते बेटे ए उत्पन्न शब्द दे वर्ग केड़े शब्द दे पिछे लग के, मूल शब्द दे। यस एग्जैक्ट आंसर इज मूल शब्द दे पिछे लग के, मूल शब्द दे पिछे लग के नवे शब्द क्रिएट होन, नवे बने सार्थक शब्द। ठीक है बच्चे, वो अज आप करने हाँ 10 करांगे। 10 तो बाद आप कहानी समझांगे, और तुसी तुहाडा होमवर्क है अपनी, हुण मंडे क्लास होनी है, तुहाडा होमवर्क है कि मंडे तक तुसी कहानी अच्छी तरह रीड कर लेनी। जिहड़ी अंग संग कहानी है ना, थोड़ी जी लेंथी है। एक परिवारिक जीवन की कहानी है कि एक परिवारिक जीवन दे विच किदां आर्थिक स्थिति परेशान करती है, और जे कोई घर का मैंबर बुरी अलामत विच पै गया, माड़ी अलामत विच, मीनस नशाखोरी है, जुएखोरी है, वह तो घर बर्बाद हो जाता है, कर्जिया हेठ दबिया जाता है, और जमीना जायदादा वाले जेडे पिंडां दे लोग ने उन्होंने जमीना गहने धरनिया पैंदियां ने। यही इस कहानी च पढ़ना है। ठीक है बच्चे, हम पहला आप पिछेत्र करिए।
हाँ जी दिव्यांश, एनी डाउट? दिव्यांश, यस बच्चे, स्टार्ट करिए। 75 पहले वर्ड्स लिख लो 75 दे। यस बेटे, अपनी बुक खोलो, ग्रामर बुक 75 वाला पेज। पेज नंबर 64, पेज नंबर 63 एंड 64। यस, स्टार्ट कर दे। हाँ, एक साइड पे 75 लिख दे, 3-3 वर्ड्स बनाने हैं। आख, आख तो ही स्टार्ट कर दे। हाँ जी, आख, आख शब्द तो बनाओ। एहरा तक आप ऑलरेडी कितने हुए हैं। आख शब्द कौन बोलेगा? ट्राई करो बेटे, ये तो आप जूनियर क्लासेस 75 तो आप 6th क्लास तो करते आ रहे हैं। थोड़े को वोकैबुलरी होनी चाहिए कि मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। यस बच्चे, रेज योर हैंड। एक दी तो हमने मैं एग्जाम्पल देती थानू। बच्चे बोलो, रेज योर हैंड्स, आर यू लिसनिंग? यस बेटे, केड़े वर्ड बनेंगे बच्चे बोलो, ट्राई करो बच्चे। संयम, हाँ जी बेटे, संयम। मैम, तैराक। यस, तैर जमा आक, तैराक। यस, दौड़ाक, दौड़ाक, दौड़ जमा आक, दौड़ाक। यस, चाल जमा आक, चलाक। ठीक है, इहदे च खतरनाक शर्मनाक वर्ड नहीं आने, वो नाक दे बन जाने हैं। वो नाल ही नाक कर लो, फिर तुहानू वेरिएशन पता चल जाएगी। नाक दे की बनावांगे बेटे? यस, नाक दे बनाओ, ट्राई करो बेटे। नाक 75, बोलो बच्चे। इशप्रीत, इशप्रीत, नाक 75। चलो तानिया। मैम, शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक। यस, शर्मनाक, दर्दनाक, खतरनाक, खौफनाक। खौफ, कोई घटना वापरी है, बड़ा दृश्य खौफनाक सी। हुण देखो तुसी, नाक 75 विच नाक पूरा लग्या, पर आक दे विच आदी आवाज आई है। जिहड़े स्वर हुंदे ने ओह पूरा वर्ड नहीं लिखा जांदा, ओदी आवाज नाल बंदे हन। ठीक है, जड़ी उदे नाल मात्रा लगी हुंदी है, उदी आवाज नाल बंदे ने। नेक्स्ट वर्ड इज अन्ना, अन्ना। हाँ जी, अन्ना दे बनाओ, ट्राई करो। अन्ना विच हुण खाना नहीं बनाना। ठीक है, हुण अन्ना ते खाना दे आपां अलग अलग करांगे। एक हुंदा अन्ना, एक हुंदा खाना। यस, ट्राई करो। दक्ष, हाँ जी बेटे, दक्ष, दक्ष। मैम, डाक खाना। बेटे तो खाना दे हो गए, चलो थोड़ी ट्राई अच्छी है, आप खाना दे भी लिख लेने नाल। चलो खाना दे, दक्ष ने दसिया डाक खाना, और कई वर्ड बनाओ खाना दा। हाँ बेटे, दक्ष, याद करने दे। चलो ठीक है बच्चे, कार्तिक, कार्तिक। शुक्राना, शुक्राना, वेरी गुड। अन्ना विच शुक्राना, परमात्मा का शुक्राना। हुण देखो, ऐड़ा नहीं लगना आपां, अन्ना वर्ड पूरा नहीं पाना, उदी आवाज। होर केड़ा वर्ड बनावांगे अन्ना च? बानू। यस बेटे, बानू। देखो सबदी क्लास पार्टिसिपेशन। पड़काना, पड़काना आएगा, पड़काना।
नो बेटे ये गलत हो गया, तो पढ़नाना है, पढ़ अगेतर लाके, ठीक है बच्चे? वो तो गलत हो जाएगा मैम। यस वो गलत हो जाएगा, अपा वर्ड की बनावांगे, प्रिंसी बनाएगी। चलो थोड़ी गुड पार्टिसिपेशन है प्रिंसी। मैम जुर्माना दोस्ताना। यस जुर्माना दोस्ताना, दोस्त जमा आना दोस्ताना, और किसी का नुकसान हो गया हरजाना, हरजाना भरना पिया, जुर्माना हरजाना। हुण इहदे विच आ दी आवाज आई है, हुण आपां बनाईए खाना दे, जिहड़े दक्ष ने स्टार्ट कीते सी खाना दे, हुण खाना दे वी नाल नाल करे, नाले तुहानूं वेरिएशन पता लग जाएगी कि खाना वर्ड अलग है, आना अलग है, इसे तरह नाक अलग है, आक अलग है। यस बच्चे वर्ड बनाओ खाना दे, ट्राई करो संयम। तय खाना, दवा खाना, यतीम खाना, वेरी गुड। जिते बेचारे यतीम रहते ने, दवा खाना है जिते दवाइयां मिलती ने, ठीक है। विवान, चलो विवान। यस बेटे विवान, भानु बोलो बच्चे, भानु एंड विवान, अनम्यूट योरसेल्फ। चलो अगला वर्ड कर दें हां, भानु और विवान दी पार्टिसिपेशन नाल। नेक्स्ट वर्ड इज, सब बच्चों ने नोट कर लिया अपनी फेयर नोटबुक ते, बच्चे फेयर नोटबुक ते नोट किया? यस। नेक्स्ट वर्ड इज, एक है आनी, एक है आनी। जिहड़ा आनी पिछेत्र है वो लिंग बदलो दे विचों स्त्री लिंग वर्ड बनने हन, आनी ते आनी। देखो वर्ड ही इदां दे बनाओ जिहड़े तुहानूं क्लीयर भी हो जाण। कौन बनाएगा आनी ते आनी? विवान। हम डॉक्टर आनी। नो बेटे, डॉक्टर आनी, हाँ डॉक्टर आनी। दक्षिता बनाएगी, दक्षिता। यस बेटे दक्षिता। मैम दरानी, जठानी, पंडितानी। यस दरानी हुंदा, दरानी नहीं, फिर स्पेलिंग गलत हो गया। देखो दियोर पूरा लिख के आनी दी आवाज, ठीक है। सेठ जमा लिख के सेठानी आनी, जेठ जमा आनी, पंडित जमा आनी, पंडितानी। जे इन्हां विचों तुहानूं मूल शब्द अलग करने भी आ जाण, तुसीं इजीली कर सकते हो, ठीक है बच्चे। हुण आपां गल करिए आनी नन्ने नाल, यह वर्ड देख लेना, यह नहीं है आनी विच वाले बना देंगे, ये तो बहुत सारे बंदे है, मास्टरानी है, डॉक्टरानी है, नौकरानी है, बहुत सारे वर्ड है। नाल नाल याद कर, कई बार आ जाता है कि नौकर शब्द के नाल केड़ा पिछेत्र लगेगा कि नवा शब्द बनेगा, फिर तुसीं केड़ा वर्ड लगाओगे? नौकर दे नाल आनी शब्द लगेगा, पिछेत्र लगेगा, तो नौकरानी बनेगा। इस तरह भी आने हैं, हर तरह नाल क्वेश्चन आ सकता कि नवे शब्द बनाओ, ये नाल मूल शब्द नाल केड़ा पिछेत्र लगेगा सूटेबल, जां मूल शब्द ते पिछेत्र अलग करो। यस बेटे विवान, विवान विवान अनम्यूट योर सेल्फ बेटे। भानु, यस बच्चे भानु, आनी दे बनाओ बेटे, आनी। दक्ष बनाएगा, दक्ष ट्राई करो बेटे। मैम आनी के? हाँ जी बच्चे। मैम जिस्मानी? यस। दुआनी चुआनी? नहीं, दुआनी चुआनी च पता की है, एक पासे आपां चू अगेतर ला लिया, दू अगेतर ला गया, दूसरे पासे आनी पिछेत्र लगे, गलत तो नहीं होगी। मर्दानी? यस मर्दानी, मर्दानी। और इस तो इलावा की बंदे ने दक्षिता बनाएगी, जिहड़े एग्जैक्ट वर्ड बंदे ने। हाँ जी बेटे दक्षिता। जिंदगानी, रूहानी। हाँ जिंदगानी, गुड। रूहानी, रूह दी खुराक, रूहानी विचार, गुड। तानिया, तानिया। मैम नूरानी, नूरानी चेहरा।
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੀ ਪਿਛੇਤਰ। ਲਿਖੋ, ਨੂਰ ਜਮਾ ਆਨੀ ਨੂਰਾਨੀ, ਰੂਹ ਜਮਾ ਆਨੀ ਰੂਹਾਨੀ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਰਫਾਨੀ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਰਫਾਨੀ ਬਰਫਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਮਾ ਆਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਸ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਬਣਾਈਏ ਆਰਾ ਤੇ ਆਰੀ। ਆਰਾ ਤੇ ਆਰੀ, ਯੈਸ। ਹੁਣ ਆਰਾ ਤੇ ਆਰੀ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਚਮਤਕਾਰੀ ਨੋ ਨੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰੀ ਪਿਛੇਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਮਤ ਚਮਾਕਾਰੀ ਚਮਤਕਾਰੀ। ਲਕਸ਼ ਕੱਕੜ ਬਣਾਏਗਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਫੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਯੈਸ ਮੈਮ, ਮਤਵਾਰਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮਛੁਆਰਾ। ਕੀ ਬੇਟੇ ਵਰਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਯੈਸ ਬੱਚੇ, ਮਛੁਆਰਾ ਮੈਮ, ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ। ਮਛੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਛ ਜਮਾ ਵਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟੇ। ਮਛੁਆਰਾ ਵਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਮ ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਲਿਸ਼ਕ ਜਮਾ ਆਰਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਣਾਓ, ਬਣਜਾਰਾ ਭਿਖਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਭਿਖਾਰੀ ਆਰੀ ਚ ਬਣੇਗਾ, ਗੁੱਡ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਆਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਣੇ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਯੈਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾ ਦੇ, ਆਰਾ ਚ ਬਣੇਗਾ ਵਣਜਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਖ ਜਾਣਾ, ਸੁਨਿਆਰਾ ਆਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੇਟੇ, ਸੁਨਿਆਰਾ। ਦੈਨ ਝਲਕਾਰਾ, ਝਲਕ ਜਮਾ ਆਰਾ, ਝਲਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਤਾਰਾ, ਵਰਤ ਜਮਾ ਆਰਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਐਗਜੈਕਟ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਵਰਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰੀ ਪਿਛੇਤਰ, ਆਰੀ। ਰਿਆਨ ਕਾਲਰਾ, ਯੈਸ ਬੇਟੇ ਰਿਆਨ, ਅਨਮਿਊਟ। ਜੁਆਰੀ, ਜੁਆ ਜਮਾ ਆਰੀ, ਜੁਆਰੀ, ਯੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆ ਖੇਡਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਣਾਓ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਭਿਖਾਰੀ, ਯੈਸ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ। ਦਕਸ਼ਿਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬਣਾਓ। ਲਿਖਾਰੀ, ਖਿਡਾਰੀ, ਯੈਸ, ਲਿਖਾਰੀ। ਲਿਖ ਜਮਾ ਆਰੀ ਲਿਖਾਰੀ, ਲਿਖੋ ਲਿਖਾਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ, ਪੁਜਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਰਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਲਿਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਇਸ, ਟੈਨ ਕਰ ਲਏ ਬੇਟੇ, ਟੈਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖੀਏ ਆੜੀ, ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਇਸ ਆੜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਆੜੀ, ਆੜੀ ਵਰਡ ਦੇ ਬਣਾਓ ਬੇਟੇ। ਤਾਨੀਆ, ਦਿਹਾੜੀ, ਦਿਹਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਜਮਾ ਆੜੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਅਗਾੜੀ, ਅਗਾੜੀ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਅਗਾੜੀ, ਪਿਛਾੜੀ, ਪਿਛਾੜੀ, ਯੈਸ, ਖਿਲਾੜੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਉਵੇਂ ਖੇਲ ਜਮਾ ਆੜੀ ਖਿਲਾੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਿਲਾੜੀ। ਭਾਨੂ, ਯੈਸ ਬੱਚੇ ਭਾਨੂ, ਮੈਮ ਜੁਗਾੜੀ, ਜੁਆਰੀ, ਜੁਗਾੜੀ, 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 ਨਹੀਂ ਜੁਗਾੜੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਬੇਟੇ, ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੁਗ ਜਮਾ ਆੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਦੇ। ਵਿਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਵਿਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਕੁਲਹਾੜੀ,
हाँ कुल्हाड़ी हो सकता है, ठीक है, वो पूरा वर्ड ही बनता, पर जे आप मूल शब्द अलग करांगे ना वो मूल शब्द नहीं, कुल्हाड़ी अपने आप ना बच्चे फिर वो पूरा शब्द ही है। उदे नाल वो बनने किहड़े है, अगे निकलन वाला अगाड़ी, पिछाड़ी, खिलाड़ी ते दिहाड़ी, ठीक है बच्चे। हुण आपां गल करिए कहानी दी, ये पिछेत्र तुसीं अपनी फेयर नोटबुक ते कर लेने हन और इन्हां नूं रिवाइज भी करना क्योंकि हरेक वीक तुहाडा टेस्ट होना और अगला टेस्ट तुहाडा सबजैक्टिव आना। सबजैक्टिव टेस्ट दे विच तुहाडा प्रार्थना लेख है, उहदा वड्डा प्रश्न आना ते प्लस अगेत्र पिछेत्र आने। आपां अगली क्लास विच मंडे दी क्लास विच अगेत्र करांगे ना, अगेत्र पिछेत्र आने हन। अगले टेस्ट पिछले टेस्ट तुहाडे मुहावरे सी, हरेक वीक एक टॉपिक लिटरेचर का प्लस एक ग्रामर का, और जो राइटिंग स्किल होगी तो ओनली राइटिंग स्किल, ठीक है बच्चे। हुण आपां गल करिए, आपां कहानी समझिए अज अंग संग कहानी की है, सिर्फ समझनी है तुसी अज अंग संग कहानी। वरियाम सिंह संधू की लिखी हुई है, पहले लेखक का नाम लर्न करो, वरियाम सिंह संधू। वरियाम सिंह संधू क्यों जा लेखक होया पहला ओदे बारे कर लिए गल कर लिए। वरियाम सिंह संधू ने लंबी कहानी लिखी है क्योंकि जड़ी अंग संग कहानी है ना वो भी बड़ी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी। कोई परिवारिक जीवन नाल संबंधित कहानियां लिखिया उसने, ओदे विषय जड़े ले ने ना कहानियां दे, उन्हें किसानी जीवन नू फोकस किया, पेंडू किसानी जीवन नू। किसी ने कोई डाउट है बेटे? हाँ जी दिव्यांश बोलो बेटे। अपा कहानी डिस्कस करने तो पहला भानू, यस बेटे भानू, यस बेटे दिव्यांश, कोई डाउट? मैम पहले का रेस था है। ओके बेटे ओके, चलो स्टार्ट कर दिया। अंग संग कहानी, पहले कहानी का नाम याद करो, अंग संग के जिम्मे आप कहने परमात्मा साढ़े अंग संग है, ठीक है। ये कहानी सानू की दर्शाती है, ठीक है। लेखक कौन है? वरियाम संधू। ये कहानी किस जीवन नाल संबंधित है? पेंडू किसानी जीवन नाल। और ये कहानी विच दस्या कि जे किसी दे आर्थिक हालात भी माड़े होन ते कोई इंसान जिंदगी विच बुरियाइयां दा भी शिकार हो जाए, बुरियां आदतां भी पै जान, तो उहदे घर दी स्थिति की होएगी? उस घर दे जीआं नूं किन्ना दुखांत भोगना पैंदा, दुख भोगने पैंदे ने। आपां आम जिंदगी विच ही देख लईए, अपने चुगिरदे ही झाती मार लईए, आले दुआले झाती मारीए कि जिहड़े जिस घर विच तां रब दा नाम है, जिस घर दे जी संस्कारी हन, जिस घर दे जी चंगी सोच नाल चंगे रस्ते ते चले ने, वह दूसरियां दे लई इक एग्जाम्पल हन, है ना। दूजियां नूं सही डायरेक्शन दिंदे ने, जीवन जाच दे गुर दसदे ने। पर दूसरे पासे जे देखिए जिंदगी का दूसरा पासा देखिए, एक पासे तो चंगियाई वाले लोग देख ले जिहड़े विरले ने, इस अजोकी स्थिति विच विरले इंसान ने जिन्हां दे घर विच बच्चे बड़े संस्कारी ने, बुजुर्गां दा सतिकार करदे ने, प्यार नाल रहिंदे ने, और जिस स्थिति विच भी होण उस स्थिति विच ही एडजस्ट करदे ने। पर दूजे पासे ओ लोग ने जिहड़े कि जिंदगी दे विच समझ देने कि असी ऐश करनी है, और ऐश किदे सिरते करनी है? पेरेंट्स दे सिरते। और पेरेंट्स का पैसा असी सही तरीके नाल यूटिलाइज नहीं करना, उन्हों ऐश इशरत विच शराब जुएबाजी विच गलत पासे वल लाउणा, जिस करके बेचारे घरदियां नूं भी संताप भोगना पे, फिर स्थिति अजिही आ जानी है कि करजाई हो जाए इंसान, जमीना सारिया गहने रखिया जान, क्योंकि घर का परिवार दिया जरूरी लोड़ा तो पूरिया करनिया ने ना, ते परिवार दे विच जे कुड़िया व्याहन वाली उन्होंने व्याह भी करने ने, फिर की किता जाए। पर जेड़े घर का हैड हुंदा ना फादर, वो एक एग्जाम्पल सैट करता अपने बच्चों लई, उहदे विच चंगे गुण होने चाहिए ने, मोरल वैल्यूज नैतिक गुण होने चाहिए ने, तां जो बच्चे अपने वड्डियां नूं जिवें फॉलो करदे ने उवें उह जिंदगी दे विच विचरदे ने। ये आम कहने आपां कि जेकर कोई बच्चा चंगा नहीं है ना, उन कहने इहनूं
पेरेंट्स ने कुछ नहीं सिखाया, बेचारे पेरेंट्स नू दोष। पर कई बार इंसान दे हालात, किसे कोई कंपनी चंगी संगत ना मिले, बुरी संगत च आप ही पै गया, पढ़ाई च मन नहीं लग्या, स्टूडेंट लाइफ च बुरी संगत च पै गया, तो सारी जिंदगी नरक बन गई है। तो कई बार लगता है कि बहुता लाड़ प्यार है ना, वो बच्चों नू बिगाड़ दिंदा। इस कहानी विच यही कुछ पढ़ना कि इस बरियाम सिंह संधु जिहड़ा लंबी कहानी नू परवानगी दिंदा, उन्हें लंबी कहानी लिखी है, बहुत लंबी कहानी, इस करके तुसी पढ़नी है। तुहाडा होमवर्क यही है कि तुसी 2-3 डेज से कहानी पढ़नी है, समझनी है। जिसका जन्म बरियाम सिंह संधु का 1945 च होया, 1945 पिंड चविंडा कला जिला अमृतसर का रहने वाला, पिता का नाम दीदार सिंह, माता का नाम जोगिंदर कौर है। और उसने अपनी पढ़ाई जलंधर विच रह के, जिहड़ा साडा शहर है, उत्थे लायलपुर खालसा दे विच पढ़ाई पूरी करन तो बाद लैक्चरर रहे है, ते उत्थों ही वह सेवा मुक्त होए, मीन्स रिटायर होए। उस दीआं कहानियां दा विशा की है, जिसनूं उहने बड़ी शिद्दत दे नाल पेशकारी कीती है कि आर्थिक स्थिति, इंसान दी आर्थिक हालात बदलदे होए, खास करके बदलते हुए समाजिक ते आर्थिक हालात परिवार विच किदां दुखांत पैदा करदे ने, ते उस आर्थिक हालातां करके, समाजिक हालातां करके परिवार दे जीआं नूं किन्ने दुख भोगने पैंदे हन, और उसने केड़ी श्रेणी नूं फोकस किया लेखक ने, मध्य श्रेणी नूं। इक हुंदी है निमन श्रेणी, गरीब श्रेणी, एक होंगी है मध मीनस मीडियोकर फैमिलीज, एक होंगी है उच्च श्रेणी। उच्च श्रेणी मीनस अमीर श्रेणी, जिहड़े तख्तियां दे मालक ने, गद्दियां दे मालक बने बैठे ने। आपां गल करनी इस कहानी विच मध वर्ग दे किरतियां दी, ते मध वर्ग दे किरती जिहड़े ने वह आर्थिक मदहाली का शिकार होके किस तरह दुखां भरिया जीवन बतीत कर रहे ने। हुण आपां गल करिए कहानी दी। कहानी का मुख पात्र एक करतार सिंह है। करतार सिंह एक मुख पात्र है अमरीक सिंह। अमरीक सिंह का छोटा भरा है महेंद्र, ते करतार सिंह की पत्नी है जगीर कौर, ठीक है। और करतार सिंह जिहड़ा के अपने पिता दे सिर ते बहुत ऐश करदा रहा, ते बुरी संगत दा विच पै गया, नशियां दा शिकार होके उसने अपने पिता दे पैसे नू बड़ा अजाई गवाया। और पिता जिहड़ा सी पैसा कमाउण दे लई बाहरले मुलक गया होया सिंगापुर, उत्थों पैसा भेजदा कि चलो घर दे विच सुख सहूलतां वाला जीवन होएगा। यह नहीं पता कि उन्हां दा पुत्तर करतार बुरियां आदतां विच पै गया, ते जदों बुरियां आदतां करके उहदी जिंदगी दा अंत हुंदा, ते उसदे परिवार नूं किहड़े किहड़े दुख भोगने पैंदे ने उसदे जान तों बाद, इस कहानी विच आपां पढ़ांगे बेटे, ठीक है। तुसीं कहानी अच्छी तरह रीड कर लेनी है और 75 रिवाइज करने हैं, और अपना होमवर्क है टाइमली सेंड करना, साइड बाय साइड कंप्लीट करना। थैंक यू बेटे।